वाह भाई वाह, एकदम कपिल शर्मा का फील आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मार्वल प्रिया के भव्य पंडाल में विराजमान गणपति बप्पा को मेरा सादर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार। और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं आपको आदर पूर्वक नमन। और जितने भी मेरे शादीशुदा मर्द दोस्त हैं जो चंद पल की खुशियाँ ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर आए हैं खुशियाँ ढूंढने के लिए, उनको मेरा सद्भावना भरा नमस्कार। जितने भी कुंवारे युवक युवती जो सुबह 4 बजे तक गाने बजाते हैं और सबको परेशान करते हैं, उनको मेरा जलन भरा हेलो। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये अंकल कौन आ गए हैं, एक तो पूछा था ये पराग सक्सेना अंकल है, उनका कॉमेडी होने वाला है, हाँ अभी थे, तो ये बच्चों को थैंक यू। आप लोग हंसेंगे नहीं तो हमारा टेक्नीशियन का आपस में साठगांठ है, थोड़े से ऑडियो क्लिप्स हम लोग साथ में लेके आए हैं, चलाइए सर एक दो। आप लोग साथ नहीं देंगे तो भाई देखो, मैं जो है कोई प्रोफेशनल स्टैंड अप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर अगर राज घूम रहा होगा जिम वाला जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलेंगे कि यार ये सर तो जिम में सेटअप भी ठीक से नहीं करते, ये स्टैंड अप कैसे कर रहे हैं। तो खैर सभी का ध्यान थोड़ा इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, मैं स्टैंड अप ऐसा मैंने बोला स्टैंड अप प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, और वैसे आप लोगों ने भी कौन सा 500-500 का टिकट लेके मेरे को सुनने आए, सब फ्री पॉकेट का जोक सुनने के लिए आए, तो वैसा ही जोक मिलेगा। प्लीज तालियों से सीटियों से जिससे मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं प्लीज बढ़ाइए। और ये टेक्नीशियन सर से मेरा एक आपस में एग्रीमेंट है कि मेरे हर पंच पे अगर पब्लिक ना हंसे तो इन्हें स्पीकर को हंसाना है, और अगर कोई भी पंच मिस हुआ तो वो बाद में पंच का हिसाब बराबर होगा। तो टेक्नीशियन सर जी थैंक यू वेरी मच, आप सबकी साथ देने के लिए हमारे पास ऑडियो क्लिप्स हैं वो बजते रहेंगे। अभी ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं गिने चुने जो जिम में मुझे मिल, मैं जिम पर जाता हूँ, आप मेरी फिटनेस देख के समझ गए होंगे कि मैं रेगुलर 3-4 महीने में एक बार जिम जाता ही हूँ। और नहीं, पहले मैं शिद्दत से डेली जिम जाता था आप जानते होंगे, पर वहाँ जो एक व्यक्ति है क्या नाम है उनका राज, वो क्लब हाउस में किराए पर रहते, इधर ही मिलते हैं हमेशा, इधर राज है क्या? तो राज ने एक बार मुझे जिम के बाहर गेट पे रोक दिया, बोले सर आप प्लीज जिम मत आया करो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले आप शटल कॉक के बॉक्स में रोज प्रिंगल्स और पॉपकॉर्न छुपा के जिम में लेके आते और जो है 40 मिनट तक ट्रेडमिल पे पैदल धीरे धीरे चलते हो, और जितना स्टेप्स आप करते नहीं उससे ज्यादा प्रिंगल के चिप्स खा जाते हो। बोला ऐसा करने से मेरा क्लाइंट का सब मन भटक जाता है, घर जाके वो भी 2 बॉक्स चिप्स खाते, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो छोड़िए मेरा भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, प्लीज आप जिम बताया करिए। वो दिन उसने मेरा शटल कॉक का बॉक्स ही जब्त कर लिया। वो उसके बाद से मैंने डेली जिम जाना बंद कर दिया, वो शटल कॉक का बॉक्स वो खुद लाता है, उसमें प्रिंगल खुद रख के लेके आता है, बट वो जो भी है राज और मेरे बात बीच की बातें जो है वो राज रहने देते हैं, और जो मैं यहाँ कहने आया हूँ वो शुरू करते हैं। तो मैं एक्चुअली एक एडमिट करने आया हूँ कि मेरा एक बहुत बुरा एडिक्शन है। तो वो एडिक्शन लोगों का होता है, किसी का ड्रिंकिंग का होता है, किसी का स्मोकिंग, किसी का कोई जुआड़ी होते हैं और रात को तंबोला खेलने के लिए कितना भी वेट कर सकते हैं, मतलब उनको किसी का भी घिसा पिटा जोक सुनने के लिए खड़े रहेंगे, उनको तंबोला खेलना है, वैसे मेरा एक एडिक्शन है। सुन रहे हैं सर, आवाज़ आ रही है वहाँ तक? तो मेरा एडिक्शन ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट पढ़ने में जब लोगों की लड़ाई होती है वो बहुत मज़ा आता है, मतलब कोई अगर विवादास्पद कमेंट किसी ने डाल दिया और उसमें 10 मिनट में 50-60 मैसेज आ गए तो मैं मतलब एकदम हाई हो जाता हूँ,
और अगर मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील है तो मैं तो हाफ डे लिख देता हूँ बॉस को, कहा बॉस प्लीज ग्रांट मी इमरजेंसी हाफ डे लीव बिकॉज हमारे सोसाइटी में कुछ तो आज मजा आने वाला है। तो मेरा बॉस भी जो है वो सब जानता है, वो बोलता है यार पराग भाई यार तुम व्हाट्सएप पढ़ने के लिए छुट्टी लेते हो, तुम रात को सारे मैसेज पढ़ लिया करो। मैं बोला भाई आप बताइए, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर लाइव चल रहा होगा तो आप लाइव देखेंगे ना, उसका बाद में रिकॉर्डिंग कौन देखता है? रिकॉर्डिंग कौन देखता है? मुझे अगर व्हाट्सएप पे किसी ने लिख दिया मिस्टर वैभव प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, ये ग्रुप में लेडीज भी है, तो उसके बाद जो 1.5 मिनट तक मिस्टर वैभव ऊपर टाइपिंग में आ रहे हैं वो 1.5 मिनट का अगर मैं समय लाइव ना वेट करूं और वो जो भावना है वो मैं नहीं फील कर पाऊँ तो फिर मेरा व्हाट्सएप के एडिक्शन का फायदा क्या? तो मैंने बोला कि नहीं सर मैं तो छुट्टी लूँगा, इसके लिए आप भले ही मेरे पैसे काट लीजिए। तो बेसिकली जब हम मार्वल फ्रिया में शिफ्ट हुए तो मेरा ब्रोकर्स को एक ही रिक्वायरमेंट था, मैंने बोला ग्रुप पर व्हाट्सएप के ग्रुप पर कम से कम 400 से 500 मेंबर्स होना चाहिए, सभी बुद्धिजीवी होना चाहिए और सोसाइटी में कोई एमिनिटी काम नहीं करना चाहिए, मतलब सोसाइटी की पूरी हालत हो, मतलब लोगों में आपस में इतनी लड़ाइयाँ हों कि मेरा जो है एडिक्शन पूरा हो जाए। और जब हम 6 साल पहले यहाँ रहने आए थे सब जानते होंगे कि क्या हालत थी मार्वल की, कितने लोग हैं बहुत पुराने यहाँ पे 4 साल 5 साल सब जानते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज आते थे, कोई बोल रहा है या चलो चलो बाल्टियाँ लेके नीचे आ जाओ टैंकर आ गया, और अब 3 दिन बाद टैंकर आया, बाद में 3 दिन बाद आएगा। 10th फ्लोर के मल्होत्रा जी तो दौड़कर लुंगी वुंगी बांधकर बाल्टी लेकर आए, लिफ्ट के पास खड़े होकर मैसेज कर रहे हैं अरे हमारा तो दोनों लिफ्ट खराब है, नीचे से वापस बाल्टी लेकर ऊपर कैसे आएंगे? तो कोई नीचे से लिख रहा है मल्होत्रा जी बाल्टी साबुन मक्का सब लेके इधर आ जाओ, इधर क्रिकेट पिच पर हमने घाट बनाया है इधर ही टैंकर में नहा रहे, ऐसा हुआ था सब जानते इधर हुआ था। थोड़ी देर बाद एक का मैसेज आ रहा है मल्होत्रा जी निकल गए कि रुके हो मेरे लिए एक शैम्पू की बोतल नीचे ले आना मैं भूल गया। मतलब व्हाट्सएप पे झगड़े देखने सुनने में इतना मजा आता है। एक ने रात को 2 बजे आंटी मैसेज कर रही है कि ये बैचलर लोग दे आर नॉट लेटिंग अस स्लीप, 4-5 अंकल वो नेटफ्लिक्स देख रहे थे रात को सो नहीं रहे थे, वो बोले भाग्य जी यू आर राइट मार्वल फ्री ऐसे बैचलर्स को निकाल बैन कर देना चाहिए, मतलब इधर बैचलर्स ना मकान खरीद सके ना बैचलर्स किराए पे ले सके। वो भूल रहे हैं कि वो अंकल लोग भी कभी मतलब सास भी कभी बहू थी, सब भूल रहे लेकिन बैन कर देना चाहिए। अच्छा हमारे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के इतने अच्छे मैसेज आते हैं, कोई कविता लिख रहा है, कोई अच्छे भगवान के फोटो भेज रहा है, कोई ऐसा फूल पत्ती भेज रहा है सुंदर फोटो, और मार्वल फ्रिया में व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है देखिए लॉबी में हमारा कितना कचरा पड़ा है, एक डाइपर के 3 मंजिल नीचे तक डाइपर के अवशेष पड़े हैं, कोई तो मतलब पूरा वीडियो बना के भेज रहा है 3 मंजिल तक। कोई लिख रहा है कि अरे दिस इज एन एक्ट ऑफ डॉग। दूसरे लिख रहे हैं कि ये मार्बल फ्री है के 4 पैर वाले दामाद जी जो है इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। अरे भाई मजाक में लोगों ने 300 लोगों ने पेटिशन पर साइन कर दिया, मैंने भी साइन किया था, ये दामाद जी को 4 पैर वाले, बाकी लोग नहीं बाकी दामाद जी ना खबर है, तो ये 4 पैर वाले दामाद जी को डिपोर्ट करिए। तो बाकी मैसेज जो है बहुत बहुत चलते रहते थे, मुझे बड़ा मज़ा आता था, मेरा एडिक्शन पूरा, मतलब मार्वल फ्रिया से अच्छा सोसाइटी मेरे एडिक्शन के लिए कोई नहीं था। बट क्या हुआ कि बीच में इलेक्शन आए, इलेक्शन का अपना अलग एपिसोड बना के भेज सकता हूँ, इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ, बट इलेक्शन आने के बाद FMC ने अच्छा काम करना चालू कर दिया। मेरी शिकायत है अरे भाई DG खराब है 3-4 दिन खराब रहने दो, आधे घंटे में ठीक कर लो। हाँ कमलबाग का रोड खराब है, गाड़ियाँ घिस रही हैं,
तो अगले दिन ही मुरम क्यों डालना है, 4-6 दिन जो है रहने दो, थोड़ा व्हाट्सएप पे मजा तो आए, अगले दिन ठीक है। ये एफएमसी वाले एकदम ज्यादा काम करने लगे, मेरा जो है मन उड़ गया। मैं अपना पड़ोसी से बोला कि फ्रियंस हैव बिकम सो टॉलरेंट, आई वांट टू लीव दिस कंट्री, इतना टॉलरेंट, मतलब कंट्री नहीं सोसाइटी, कंट्री तो कोई और छोड़ रहे, तो फ्रियंस टॉलरेंट हो गए, मैं तो सोसाइटी छोड़ रहा हूँ। तो इस बात पे मेरा पड़ोसी बोला कि पराग भैया 2 दिन बाद फ्रिया प्रीमियर लीग आ रहा है, आप अपना हौसला बनाए रखिए, जरूर कुछ ना कुछ झोल होगा। फ्रिया प्रीमियर लीग सबको याद होगा। तो जो है अगले दिन मैं सुबह उठ रहा हूँ, और सुबह उठकर बालकनी से झांका, और बालकनी से झांका तो मैंने देखा कि एक हरा भरा पेड़, बबूल का पेड़ था, हरा भरा पेड़ जमीन पे एकदम रणवीर सिंह जैसा पड़ा है, और बजा सकते तालियां बेटा। मेरे रोम रोम में खुशियां जाके मुझे लगा मैंने स्टेरॉइड ले लिया। मैंने कहा आज तो मजा आएगा। मैं जो है सीधा सोफे पे रिक्लाइनर पे बैठा, DSLR लाया, एक फोटो खींचा, उसको 1 फ्रिया रेसिडेंट ओनर ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, और फिर 10 मिनट में 732 मैसेज। मैंने कहा आज तो बॉस को छुट्टी लिखा, बॉस प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर फुल डे, मतलब व्हाट्सएप हैंग हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज ही रिफ्रेश नहीं हो रहे, इतने मैसेज आ रहे हैं, और कुछ लोग तो जो है मैसेज नहीं हो रहे तो वहाँ पहुँच गए नीचे, वो गार्डनर को घेर के खड़े, ए गार्डन है, किसने बोला पेड़ काटने को, गार्डनर बोला साहब मुझे ऊपर से आदेश था, ऊपर से सर मैंने तो बोला था गार्डनर भैया वो पेड़ को जरा छांट देना, पेड़ को जरा छांट देना, उसने सोचा काट देना, उसने काट दिया। है ना ऐसा वाला, अभी कुछ लोग जो है नीम का पेड़ घेर के खड़े हो गए, चिपको आंदोलन, अरे भाई नीम का पेड़ मत काट देना, बहुत अच्छा होता, वो बबूल का तो फिर भी जंगली था, नीम का पेड़ अच्छा होता। कुछ लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट FPL, हाय हाय FPL कमेटी, हाय हाय। व्हाट्सएप पे एकदम शान वापस लौट के आ गई। मेरा एडिक्शन जो था वो मेरा एडिक्शन भरपूर है। मैं अपने नेबर के पास गया, मैंने बोला भैया प्रिया से शिफ्ट होने का प्लान कैंसिल, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू। अभी पिक्चर बाकी है, अभी मेरा 2 मिनट और बाकी है, और जिन मतलब मैंने मजाक में बहुत कुछ बोल दिया, जिसको मेरी बात का जाने अनजाने में बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ मत करना, व्हाट्सएप पर डाल देना। बहुत लोगों ने फ्रिया को बदतर हालत से बेहतर बनाने में बहुत मेहनत करी है, सब लोग जानते हैं, जितने लोग जानते हैं प्लीज़ तालियां बजाइए। फ्रिया कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, बहुत संवेदनशील मुद्दा है टेक्नीशियन सर। और उन सब की हौसला अफजाई करने के लिए मैंने कुछ इंटरनेट से 4 लाइनें चुराई हैं, तो अगर परमिशन हो तो मैं वो 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। कि हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेर है बहुत चारों तरफ नाकामी है, माना कि अंधेर है बहुत चारों तरफ नाकामी है, माना कि हम टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट रहा, माना कि सपनों में नींदों में सपनों का आना छूट रहा, माना कि हिम्मत टूट गई
आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है, कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू सो मच।